here. First of all, a warm welcome to GlitzVision USA. Thank you. And congratulations for this show. Thank you so much. So, दोनों से जानना चाहते हैं, मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे हुआ था ये शो के लिए आपका सिलेक्शन, अगर कुछ भी डिटेल में एक लाइन दो लाइन. तो शो के ऑडिशंस हो रहे थे, तो लखनऊ में भी उन्होंने, वो लोग आए, घर पे आए और उन्होंने इस शो के बारे में हमें बताया कि ऐसा कुछ हमारा शो आ रहा है, नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी. तो फर्स्ट रिएक्शन वाज हैं, पहला रिएक्शन यही था. एंड मम्मा से मैंने पूछा कि पहले आप बता दो मुझे, सीरियल करोगे? अभी तक तो मूवी किया, अभी सीरियल करोगे? सबका रिएक्शन यही था घर में. देन जब स्टोरी मैंने कहा कि तो मैं एक बार ज़रूर सोचूंगी कि कैसा क्या है इसमें, तो जब मैंने स्टोरी सुना तो लगा कि भाई दम तो बहुत है और दिख सकती हूँ बहुत ही अच्छे से, लोगों के दिलों पे छा भी सकती हूँ. तो बस इसीलिए बोरिया बिस्तर बांध लिया और मुंबई पहुँच गए. फॉर मी लाइक मुझे जब ये स्टोरी बताई गई, जब ये कंसेप्ट बताया गया, तो बहुत, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के शोज़ आते हैं, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस पैकेजिंग अलग रहती है. बट ये शो भी अलग है, इसकी पैकेजिंग भी अलग है, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी अलग है. सो इट्स गोना बी फन राइड. और अलग अलग किरदार हैं, सभी का अलग अलग कैरेक्टर है और सभी बड़े अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं गरम मसाला, जो अलग अलग मसालों से मिक्स होकर एक गरम मसाला बनता है, इट्स गोना बी लाइक दैट. सो गरम, ठंडा, मीठा, खट्टा, सारे फ्लेवर्स मिलेंगे आपको इस शो में. मुझे ऐसा लगा कि बावर्ची पिंकी स्टोरी हो रही है. ओके, आप लोग फर्स्ट टाइम मॉक शूट पे वर्कशॉप मॉक शूट मॉक शूट यस यस क्या परसेप्शन क्या था एक दूसरे को लेके इनिशियली काम करना स्टार्ट किया? इन्हीं का होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा. मेरा भी होगा, क्यों नहीं होगा कि हाय कितनी छोटी है, जरूर होगा. उसको देखा था तो बड़ी क्यूट सी छोटी सी लड़की दिखी, मैंने कहा यार एकदम परफेक्ट है ये तो शो के लिए. मेरा तो कुछ नहीं था, मैं तो बस खाली अपने जो इसमें है खास लोग उनको ढूंढ रही थी. तो मेरा बॉन्ड अच्छा हुआ, मुझे, मैं कंफर्ट जोन में आ गई. ये एक बात तो है, इनके साथ अगर कोई लड़की भी करे, मैं अगर नहीं भी होती ना, कोई भी होता, तो उसका एक अपना कंफर्ट जोन इनके साथ तो बन जाता है. तो उस टाइम क्योंकि मैं बहुत डरी डरी सी रहती थी कि भाई कौन बंदा आएगा, कब उठा के काम उठाएगा. तो जब मैंने इनके साथ मॉक शूट किया तो मेरा एक कम्फर्ट जोन बन गया था. और मैंने जब मुझसे पूछा गया कि आपका जोन किसके साथ बनाए, तो फर्स्ट नेम यही थे. डेफिनेटली एक मैंने इनको देखा तो पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि यार लाइक इस इज़ वेरी सूटेबल फॉर द जॉब. और उसके बाद फिर हम लोगों ने मॉक शूट किया तो सीन करने के बाद वाकई में अच्छा लगा, क्योंकि आप किसी अच्छे एक्टर के साथ कोई सीन करते हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट नेचुरली बढ़ जाता है. तो सीन शूट करते में ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग सीन शूट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि लाइक वी आर नॉर्मली टॉकिंग. तो अगर वो चीज़ आ जाती है तो सीन बहुत अच्छा निकल के आता है. तो वो मुझे लगा कि इट वॉज गुड. लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, ऑन स्क्रीन क्या रिलेशन शेयर करता है, अपने कैरेक्टर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए? 27 जनवरी मंडे टू फ्राइडे रात 9:30 बजे जरूर देखें कलर्स पर और वुड पर. ओके, आपसे जानना चाहते हैं, ये शो एक चीज को हाईलाइट करता है, यू नो, शॉर्ट हाइट को लेके. तो हम आपसे जानना चाहते हैं रियल लाइफ में आप दोनों से कभी भी अपने किसी फिजिकल फीचर को लेके अगर कभी भी किसी ने क्रिटिसाइज किया हो या फिर मजाक उड़ाया हो, तो आपसे जानना चाहेंगे? मुझे, मेरा तो आई थिंक नहीं, मेरा तो कभी ऐसा कुछ मजाक नहीं उड़ाया. बट हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है. हाँ, जब मैं इसके लिए अपना वेट पुट ऑन कर रही थी तो मेरा डबल चिन आ गया. अभी तो शूट करते हैं सब गायब हो गया. तो अभी, हाँ, अभी तो सब गायब हो रहा है धीरे धीरे. तो मेरे डबल चिन आ गए थे, उसके लिए आई थिंक सबने मुझे बोला है तेरा डबल चिन आ रहा है, तेरा डबल, बस इतना ही मुझे सुनने को मिला है और कुछ नहीं सुनने को मिला है अपने लिए. ओके, लास्टली फैंस को मैसेज देते हुए जानना चाहेंगे कि ये शो कितना हेल्प करेगा, यू नो, जो भी शॉर्ट हाइटेड से जिनका भी मजाक उड़ा उनको, यू नो, इस चीज़ में कितना हेल्प मिलेगा? पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई छोटा या बड़ा है ही नहीं, ये सब दिमाग का खेल है. हमारे दिमाग की जो बत्ती है ना, उसका एक प्लग पॉइंट है, वो जो बुझ गया है उसको जलाने के लिए नाटी पिंकी आ रहा है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं कि किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी कम है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती. हमारे पास लेजेंड्स हैं जिनके हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिनकी हाइट कम है
और ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, या छोटे मोटे पतले, मतलब हर टाइप आप में वो हुनर होना चाहिए, आप में वो गुण होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए कि आप उस चीज को पा सकें, आप जो चाहते हैं। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप मोटे पतले काले दुबले नाटे इसलिए मैं आखिरी में आती हूँ नाटे हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।